कुंती बहन के बारे में मुझे आप लोगों को एक इंसिडेंट बताना है। मैं जब 2007 में माउंट आबू जाने का मेरा प्रोग्राम बना था, कुंती बहन ने हमारा मेरा टिकट भी कर दिया। मैं सब बहनों के साथ ट्रेन से जाने वाली थी। निकलने से एक डेढ़ घंटा पहले मेरा बेटा रोने लगा, कुछ 5-6 साल का था उस वक्त, और बहुत जिद करने लगा। और ये बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि उसको आदत थी कि उसकी मम्मी शूटिंग पे जाती है, और इस बार तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए था। आई मीन नॉर्मली आई वुड गो फॉर शूट फॉर 10 or 12 days एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। माय मदर वुड लुक आफ्टर हिम और समबडी एट होम वुड लुक आफ्टर हिम एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। बट दिस टाइम ही वाज जस्ट इंसिस्टिंग, नो यू आर नॉट गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू गो विथ यू। और उस वक्त फिर ऐसा हुआ कि मैंने कुंती बहन को फ़ोन किया और मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि वो बोलेंगे अरे टिकट कर दिया, वेस्ट हो गया, अभी लास्ट मिनट आप बता रहे हो। लेकिन कुंती बहन को जब मैंने फ़ोन करके बोला तो वो एकदम शांति से बोला नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो बेटा, उसको संभालो, उसको फुसलाओ, उसको पहले काम डाउन करो, और अगर वो कल उसको देखो कल कैसा रहता है, अगर वो नहीं मानता है उसको भी साथ में ले आओ। तो आई वाज रियली सरप्राइज, चलो आश्रम में बच्चे को भी ले जाना, बट यू नो बिकॉज हमारे अंदर ये फीलिंग होती कि आध्यात्म है तो बस बिना गृहस्थी बिना कोई अटैचमेंट्स वी मस्ट गो एंड यू नो प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। बट कुंती बहन टॉट मी दैट स्पिरिचुअलिटी कैन बी प्रैक्टिस इवन वाइल यू आर अ होम मेकर और यू नो अ गृहस्थ जिसको हम कहते हैं। वहाँ जब मैं पहुँची तो मेरा बेटा तो खैर वो उन वादियों में हम बहनों और भाइयों के बीच में, ब्रह्म कुमारी बहनों और भाइयों के बीच में इतना खुश था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एक 5-6 साल का बच्चा है जो उधर घूम रहा है। मैं सुबह उसको देखती थी और शाम को उसको मिलती थी। सो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड कुंती बहन इज ऑलवेज गाइडेड मी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज यू नो हम माँ बाप अपने बच्चों को अक्सर ये कहते हैं कि अरे तुम 18 साल के हो जाओगे या तुम बड़े हो जाओगे, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फिर यू नो अपनी जिंदगी जीना एंड ऑल। सो आई यूज्ड टू टेल माय चाइल्ड ऑलवेज माय यंगर सन दैट व्हेन यू आर सेटल्ड देन आई विल गो टू अ विलेज एंड आई विल वर्क इन दैट विलेज। एकदम एकांत में मैं उस विलेज में काम करूंगी, फिर मैं मतलब तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी वहाँ पे सेवा करूंगी। तो कुंती बहन मुझे बार बार ये बोलते थे ये कभी मत बोलना इसको, यू मस्ट टेल हिम दैट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू because he feels that if you tell a child ki I'll go your way I'll go my way they feel insecure. Aur us chota bhi tha to these are the two lessons that she taught me and I stopped saying that because and I did not realize that it would probably affect my child like that, but I thought I was mentally preparing him for the future. But these are things that she taught me and I'll never forget them. And I want to say that Kunti behan एक बहुत प्योर सात्विक और एक आध्यात्मिक जीवन जिया है, पूरी तरह से उन्होंने जिया है, लोगों को प्यार दिया, लोगों को सम्मान दिया, लोगों को बहुत कुछ सिखाया, बट स्टिल मुझे लगता है कि और उनका बहुत काम बाकी था। इसलिए मुझे बहुत दुख है और अफसोस है, और सारे ब्रह्म कुमारी के बहनों और भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत कंडोलेंसेस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति।